अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डेली के खाने। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ माँ की दाल की रेसिपी, छिलकों वाली। ये सर्दी में बहुत अच्छी लगती है। आप बॉयल चावलों के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, तो इसका अपना ही एक टेस्ट है। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यह हमने दाल को देगची में रख दिया है पानी डालकर। इसको मैं पकाऊंगी 25 से 30 मिनट के लिए। जब ये कुक हो जाएगी तो फिर हम उसको उतार लेंगे, चूल्हा बंद कर देंगे। अब इसका हम मसाला तैयार कर लेते हैं। दाल को रख दिया था गलने के लिए हमने, तो अभी हमने फ्राई पैन लिया जिसमें हम इसका मसाला तैयार करेंगे मज़ेदार सा। तो उसके लिए मैंने प्याज लिया है एक बड़े साइज़ का, इसको मैंने चॉप किया हुआ। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। साथ ही इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन कुटा हुआ, ये एक चाय का चम्मच है। ये कम जाएगा इसके अंदर तो प्याज ज़्यादा जाता है, अदरक लहसुन का इस्तेमाल इससे कम होता है। अब इन दोनों चीज़ों को हम भून लेंगे घी के साथ। घी मैंने लिया जो आधा कप। एक मिनट के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ मसाले। मसाले मैंने लिए हैं, इसमें नमक है एक चाय का चम्मच, सुरख मिर्च पिसी हुई एक चाय का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, पिसा हुआ धनिया भी एक चाय का चम्मच, जीरा आधा चाय का चम्मच, गरम मसाला 1/4 टीस्पून, कसूरी मेथी है मेरे पास आधा चाय का चम्मच। ये तमाम मसाले डाल देंगे। इसको हम प्याज अदरक लहसुन के साथ फ्राई कर लेंगे हल्का सा। ये जो मसाला है दाल के ऊपर डालेंगे तो ये हमारा तड़का भी होगा एक किस्म का। साथ ही इसमें डाल दूंगी टमाटर। टमाटर अपना पानी छोड़ देंगे और मसाला हमारा जलेगा नहीं। मैं इसे भूनती हूँ 1 मिनट के लिए। टमाटर थोड़ा नरम कर लेते हैं। यहाँ मैंने टमाटर को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है मसाले के साथ। हमारा मसाला तैयार है दाल में जाने के लिए। इसको मैं डालती हूँ दाल में। दाल को मैंने अच्छे से कुक कर लिया, देखिए नरम पड़ गई है दाल, मिक्स हो गई अच्छे तरीके से, गल चुकी है ये। अब इसमें मसाला डाल दूँगी जो मैंने बनाया है इसका तड़का। अब हम मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ दाल को अच्छे से। बहुत खुशबूदार बनती है, बहुत मज़ेदार बनती है। आप इसे ट्राई कीजिएगा, इस तरीके से बनाइएगा माँ की काली दाल छिलकों वाली। साबुत माँ भी बनाते हैं आप लोग, आपकी दाल बना के देखिएगा। अब इसे मैं कवर कर दूंगी 10 मिनट के लिए मसाले के साथ, ये पक जाए। इसमें दाल और खुशबू दाल भी अच्छी तरीके से आ जाए। 10 मिनट के बाद दाल को मैंने प्लेट में निकाल लिया था। मज़ेदार हमारी माँ की छिलकों वाली दाल तैयार है। मेरी रेसिपी आपको पसंद आई तो मेरे चैनल डेली खाने को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।